नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हम बात करेंगे संतुलन की राशि, संतुलन की लगन, तुला लगन, तुला राशि के जातकों के लिए। आपके राशि, आपके लग्नेश उच्च के हो रहे हैं, तो उच्च के शुक्रदेव क्या क्या शुभ परिणाम देंगे, कैसे आप शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गोचरी स्थिति सदा बनती थी, बनती है, बनती रहेगी। मौसम परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन आप उस मौसम का कैसे यूज कर सकते हो, कैसे लाभ ले सकते हो, गोचर का कैसे अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हो, यही चर्चा का मेन केंद्र बिंदु है। अगर आप जानते रहेंगे तो पहले से प्रयास करेंगे, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। करने से होता है, ना करने से कुछ नहीं होता। और करने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बढ़िए। आपके राशि सूच के हो रहे हैं, छठवें घर में जो शुक्र महाराज पहुंचते हैं ना, उनको बोला बोला जाता है शत्रुहंता। कहा जाता है कि ऐसे लोगों के पास शत्रु होते ही नहीं, ये पूर्णतया सच नहीं है। अच्छा, पहले ये जान लीजिए कब से कब तक तो उच्च के हो रहे हैं। 31 मार्च को उच्च के होंगे और 24 अप्रैल को मेष में जाएंगे। ठीक, लगभग 25 दिन की उच्च की स्थिति बनेगी। 25 दिन एक मौका है आपके लिए। आप जितने चौका मार सकते हो चौका मार लो, मौका आपको परमात्मा ने दिया है। अब जो परिस्थितियां बनेंगी वो कुछ ऐसे बनेंगी कि 3 नक्षत्रों में गोचर होगा। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। शुक्रदेव को छठवें के शुक्र को बोला जाता है कि शत्रुघ्न योग, मतलब इनके पास शत्रु होंगे ही नहीं, मार दिए जाएंगे। कैसे मार दिए जाएंगे भाई? शुक्र में ऐसा कौन सा पावर है, शुक्र ऐसा कौन सा खतरनाक प्लेनेट है कि मार देगा। दरअसल यह कथा भगवान कृष्ण की कुंडली से चली, क्योंकि भगवान कृष्ण की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्रदेव यहीं पे स्वग्रही बैठे हुए थे और उनके शत्रु तो बहुत हुए लेकिन कोई शत्रु टिक नहीं पाए। दरअसल छठवें का शुक्र आपको शत्रुघ्नता योग में तभी कन्वर्ट करेगा जब आपके अंदर कलाएं ज़्यादा होंगी, आपके अंदर काम करने की क्षमता इतनी बढ़िया हो कि शत्रु नतमस्तक हो जाए, पराजित हो जाए, बोले महाराज आपसे क्या लड़ें, आप बहुत ऊपर की चीज़ हैं, आप चीज़ ही कुछ और हैं। तो ऐसी स्थिति जब बना लेगा तो आपकी कुंडली में बनेगा शत्रुघ्नता योग। सदैव याद रखिएगा, जो चीज़ें हमारे शास्त्रकार कहते हैं या हम लोगों ने पढ़ी है उसका किस अर्थ में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, कलाओं का विकास करना है, क्षमताओं का विकास करना है। आपके कुंडली में एक और अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि शुक्रदेव आपके जहाँ राशि से हुए अष्टमेश हैं, अष्टम भाव का स्वामी छठवें घर में चलेगा, मृत्यु का स्वामी उच्च का, तांडव होगा भाई, जटाटवी गलत जन्म प्रवाह पावितस्तरे, तांडव होगा। मतलब यहाँ पे शत्रु बेमौत मारे जाएंगे यदि आपसे शत्रुता करते हैं तो। लेकिन शत्रु छलेगा तो, छल लेगा तो क्या करोगे भाई? तो ये इस चीज़ को देखना पड़ेगा। पूर्व भाद्रपद पीड़ाओं का, परेशानियों का, सड़ी गली हुई चीज़ों का शमन करने के लिए है, नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। जाओ, बहुत दिन से कोई परेशानी है, रिश्ते हैं, बोलेगा ठीक है यार डिस्कनेक्ट करो, नहीं चल सकता बहुत, तो ख़त्म कर देंगे। उत्तर भाद्रपद आपके कर्मों से आपको श्रेष्ठ बनाने वाला, आपके प्रयास से आपको श्रेष्ठ बनाने वाला। रेवती मुक्ति का नक्षत्र है, धनदायक नक्षत्र है, समृद्धि देने वाला है। तो यहाँ पे पहुँच के शुक्र को दरअसल जो ऊंचाई मिलती है वो रेवती में मिलती है। यहाँ पे आनंद के साथ बिंदास ढंग से रहते हैं और उच्चता प्राप्त करते हैं। आपके लग्न के स्वामी है इसलिए संघर्ष के बाद सफलता, लेकिन संघर्ष में आपके सामने कोई टिकेगा नहीं, सामने सामने, क्योंकि शुक्रदेव अष्टमेश हैं, किंतु यह राहु के साथ है। किसके साथ है? राहु के साथ हैं। राहु खेल बिगाड़ सकता है, याद रखिएगा। सब कुछ मेंटेन हो, बस भोग लगाने जाइए तभी कुछ बिगड़ जाए, उसी का नाम राहु है। 99 तक सर्प सीढ़ी का खेल खेला है ना, 99 तक पहुंच जाइए और सर्प ने डस के खड़ा कर दिया लास्ट में, ये राहु है। राहु को सर्प का मुख कहा जाता है।
तो यहाँ पे राहु शुक्र की युति गेम को बिगाड़ भी सकती है, तो राहु से सावधानी रखनी होगी। यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है कि छठवें घर में है और इनकी सातवीं दृष्टि व्यय के घर में है, तो आनंद के साथ गुजारेंगे, किसी स्त्री से स्त्री का अपमान मत करिएगा, या पुरुष है तो स्त्री का, स्त्री है तो पुरुष का अपमान मत करिएगा, क्योंकि अपमान का जो परिणाम होता है ना, अगर वो व्यक्ति आपको दे दिया तो आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हुए चलो, अगर उसने मौन रह के सह लिया तो कहते हैं ना कि जब आप जवाब नहीं दोगे तो आपके लिए खुदा जवाब देगा, और खुदा जवाब देगा ना तो खोद देगा, इसलिए बहुत सावधानी से चलिएगा। छठवां घर सप्तम से द्वादश है, इसलिए अवैध चीज़ें भी यहाँ प्रकट होती हैं, अवैध चीज़ों से सावधान। वैध का भोग नहीं कर पा रहे, अवैध का कहाँ से भोग कर पाओगे, फंस जाओगे। तो यहाँ पे शुक्र निश्चित रूप से शत्रुता योग ये क्रिएट कर रहे हैं, यदि आप सही तरीके से नियमावली फॉलो करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज आपके कुंडली में सप्तम भाव में इस समय शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, यह एक तरह से लगभग राशि और नक्षत्र एक्सचेंज जैसा है। राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, अपने सभी विपरीत लिंगियों को सम्मान देते हुए चलिए। शुक्र आपको बेहतर परिणाम देंगे, सरकार सरकार से लाभ, शत्रु हंता योग क्रिएट कर रहे हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।